Careways.com की तरफ से एक बॉक्स आया है जिसके अंदर है डिजिटल मीटर और ये काफ़ी अच्छा मीटर दिखता है। जरा आपको नज़दीक से दिखा दें, देखने में तो अच्छा लग रहा है। अब इसका फंक्शन और ये कैसे काम करता है, जिसके लिए मैं गाड़ी क्लासिक गन मेटल ग्रे में इसको यूज़ करके बताऊंगा, आपको लगा के दिखाऊंगा कि ये कैसे लगाया जाता है और कैसे काम करेगा और क्या इस मेरा ओपिनियन है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं डब्बे को खोल के दिखा देता हूँ कि हमारे को मीटर के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले एक इस तरीके का बॉक्स मिलेगा। बॉक्स को खोल के सबसे पहले आपको मीटर देखने के लिए मिलेगा जो बबल्स पैकिंग के साथ है, जिससे कि टूट फूट ना हो। बाकी शानदार मीटर है देखने में, मेरे को तो यार अच्छा लग रहा है। अगर जो मैं चाह रहा हूँ अगर ये उस टाइप से काम करेगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा। फिर इसके बाद है एक लीड, एक सॉकेट है, लीड है, मैग्नेट है कुछ, और ये कैसे काम करेगा ज़रा देख लेते हैं। और इसके अंदर एक और पत्ती है छोटी सी, ये पत्ती और तीन छोटे छोटे से मैग्नेट हैं। अब इसको कैसे लगाना है और कैसे ये काम करेगा, जिसके बारे में पूरा पेपर वर्क दिया गया है, इसको अच्छे से रीड कर लें हम, तो जिससे हर एक चीज़ अच्छे से समझ पाएंगे। और ये उल्टा है सॉरी, अब सीधा हो गया। तो हर एक चीज़ कैसे, कौन सी चीज़ कहाँ पे काम करती है, इसमें अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें हाँ ये देखिए डिजिटल मीटर भी दिख रहा है ना। तो सारी चीज़ें एक बार गाड़ी में इंस्टॉल करके देखते हैं और कैसे काम करेगा। अब हमारे साथ एक छोटी सी दिक्कत आ चुकी है, वो बताएंगे हमारे भैया जी जिनकी गाड़ी में हम खुद इंस्टॉल करने वाले थे इसको। तो बताइए हमारे सामने क्या दिक्कत आई। ये मीटर हो गया बड़ा बोले तो कैसे, जरा मैं आपको नज़दीक से दिखाते हैं। दिखाइए, अब ये इसके अंदर जा नहीं रहा है। ठीक, तो इसके अंदर मीटर जा नहीं रहा है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालिए इसको, जो इसका ये साइज है इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, मतलब ग्रैंड मार के फैलाना पड़ेगा। तो नई गाड़ी गन मेटल गिरे, और मेरे को तो लगता नहीं है कि एक मीटर लगाने के लिए हमें इतना बड़ा वो उठाना चाहिए। फिर भी इसे हम गाड़ी में लगा के चेक करते हैं कि चीज़ें कि ये मीटर कैसे काम करता है। अगर आप फिर भी ये लगाना चाहते हैं तो ये कैसे काम करता है, दिखने में कैसा है, वो देखते हैं। तो अभी जो दूसरी समस्या आई है हमारे सामने, जो मतलब नॉर्मली जो मीटर होता है, जो मीटर का सॉकेट है वो इसमें लगाया हमने, और मीटर काम करना चाहिए था पर इसके अंदर ऐसा नहीं हो रहा। और जैसे हम इंडिकेटर चला रहे हैं तो यहाँ पार्किंग लाइट जल रहा है। ठीक है, तो ये सब इसमें उल्टा है। ये एक्चुअल में मेरे हिसाब से लगता है जो 5 गियर स्पीड आई थी पहले के टाइम पे, या यार क्या कहें, ये फिलहाल तो फ्लॉप हो गया। अभी मेरे पास जो हमारा इंडियन ब्रांड बनाता है आरवी इंडस्ट्रीज, वो ज़रा दिखाते हैं आपको वो कैसे काम करता है। तो ये है आरवी इंडस्ट्री की तरफ से मेरे पास आया था, पहले मैंने आपको दिखाया था, ये 350 वाला है, और इसके अंदर जितने भी कपलर या सॉकेट दिए हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट बैठते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारा आरवी इंडस्ट्री का जो मीटर है उसका कपलर कैसे, फ़िलहाल मैं इस कपलर को निकाल देता हूँ। ठीक है, ये कपलर निकाल दिए, और यह है हमारा आरवी इंडस्ट्री की तरफ से वाला मीटर, और ये इसके अंदर बिल्कुल फिक्स जाता है। मैं आपको पहले एक बार दिखा देता हूँ कि कोई भी परेशानी नहीं होती है इसको फिट करने में। मेरे को तो इतना इजी लगा कि मतलब एक जो अनट्रेंड है या जो मेरी एक बार वीडियो देख चुका है उसके लिए ये फिट करना बिल्कुल बच्चों वाला काम है। देखिए इतना आसानी से वो बैठ चुका है, बैठ गया ना। तो इसकी फिटिंग तो बिल्कुल कंप्लीट है, देखिए बिल्कुल कोई भी ऐसा नहीं है कि अलग से आपको कुछ इसके अंदर मॉडिफिकेशन कराना है। अब हम बात करेंगे कि जो इसका सॉकेट है, जो कपलर है, कपलर को लगाने के बाद जो काम करने लगेगा या नहीं। तो इसका जो रेड वाला कपलर है वो हमें इसमें लगाना है सिंपल। देखिए इतना ही लगा के जैसे हम चाबी ऑन करेंगे मीटर हमारा चालू हो जाएगा। और बाकी जो ये एक सॉकेट दे रखा है ये हमारा जाएगा जो नीचे मीटर है ना स्पीडोमीटर, उसके अंदर। एक बार मैं उसको भी लगा के दिखा देता हूँ। अब जो हमारी नीचे लगने वाली वायर है वो ये है और ऊपर का सॉकेट ये है, तो इसको फिट कर लेता हूँ नीचे।
अब मैंने इसको नीचे लगा दिया है और इस सॉकेट को इसके अंदर सिंपली इंस्टॉल कर देना है। और अब हम इसका टायर घुमा के देखेंगे और देखते हैं काम करता है या नहीं। दबाइए पीछे को और मैं टायर घुमाता हूँ, आप इसके अंदर देखिए। और देखिए मीटर दिखने लगता है। तो इतना सिंपल है। अब थोड़ा सा आगे डिटेल में बात करते हैं, क्या आपको लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं। इन दोनों मीटर में कंपेयर किया जाए बजट को लेके, तो ये आपको 4000 रुपये के आसपास मिलता है और ये 1500 या 1600 रुपये के आसपास मिलता है। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको जो पसंद है वो ले सकते हैं। और मैं ज़रूरी नहीं है कि आपको रिकमेंडेड करूँ कि आप आरवी इंडस्ट्री का लें, ये लें। मेरी नज़र में जो रॉयल इनफील्ड का मीटर है ये भी प्रीमियम लुक देता है, बहुत ही गजब का लुक देता है। और आरवी इंडस्ट्री का अच्छा है, ईजी टू इंस्टॉल है, कुछ आपको एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन नहीं कराना पड़ता है, कोई प्लग अलग से नहीं जोड़ना है, सबसे सिंपल है। और पहले भी वीडियो बना लगा था पर गेयरवेज की तरफ से आया, ये शायद भूल गए कि ज़माना बदल चुका है, काफ़ी टाइम पहले बनाया होगा शायद, क्योंकि मेरे को लगता है जो पहले के मॉडल थे उस जेब मतलब 2005 के 6 के मॉडल उसमें ये लग सकता है। तो फिलहाल के लिए तो ये मीटर कामयाब नहीं है, बाकी आपका ओपिनियन है। मेरे को जो सच्चाई थी मैंने आपके सामने शेयर करी। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।